आज हम डिस्कस करेंगे पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर के बारे में कि पब्लिक सेक्टर क्या होता है, उसका क्या रोल है, उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज और प्राइवेट सेक्टर के। सबसे पहले डिस्कस करते हैं व्हाट इज पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर क्या होता है, क्या होता है पब्लिक सेक्टर, व्हाट इज पब्लिक सेक्टर में। द पब्लिक सेक्टर इज द पोर्शन ऑफ एन इकोनॉमिक सिस्टम दैट इज कंट्रोल्ड बाय नेशन स्टेट और लोकल गवर्नमेंट। पब्लिक सेक्टर मतलब कि क्या, कौन सा हम लोग मानते हैं जिसको गवर्नमेंट सेक्टर भी बोलते हैं। तो पब्लिक सेक्टर में क्या बोल रहा है, दैट पोर्शन ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम का वो पोर्शन जो किसके हाथ में होता है, जिसका कंट्रोल किसके हाथ में होता है, या तो स्टेट गवर्नमेंट के या सेंट्रल गवर्नमेंट के या लोकल गवर्नमेंट के हाथ में होता है, वो सेक्टर कौन सा सेक्टर कहलाता है, पब्लिक सेक्टर कहलाता है। जैसे इसमें एग्जाम्पल्स भी दिए हुए हैं, सेल, इंडियन ऑयल, कोल इंडिया। क्या बोल रहा है, द कंपोजिशन इन मोस्ट कंट्रीज इंक्लूड डिफेंस, पब्लिक हेल्थ, पब्लिक एजुकेशन। द मेन इंटेंशन ऑफ द पब्लिक सेक्टर इज टू प्रोवाइड क्वालिटी सर्विस एंड प्रोडक्ट टू द सिटीजन। इसका मेन इंटेंशन क्या होता है पब्लिक सेक्टर का, क्या करना, जो भी क्या बोलते हैं पब्लिक होती है, उसके सिटीजन्स होते हैं, उसको क्वालिटी सर्विसेज और प्रोडक्ट को प्रोवाइड करना। क्या बोल रहा है कि जनरली हम सभी को मालूम है जिसका कंट्रोल इकोनॉमिक सिस्टम का हमारे, जिसका कंट्रोल गवर्नमेंट के हाथ में होता है, जहाँ सारा रूल्स और रेगुलेशन, वैसे सभी इंडस्ट्री पर रूल्स रेगुलेशन गवर्नमेंट का फॉलो होता है, पर कंट्रोल किसके थ्रू होता है, गवर्नमेंट के थ्रू होता है, वो किस कौन सा सेक्टर होता है, पब्लिक सेक्टर होता है। फिर प्राइवेट सेक्टर कौन सा होता है, इकोनॉमी का वो पोर्शन जो किसी इंडिविजुअल ग्रुप के थ्रू क्या होता है, रन होता है या उनके द्वारा चलाया जाता है। द प्राइवेट सेक्टर इज अ पार्ट ऑफ कंट्रीज इकोनॉमिक सिस्टम दैट रन बाय इंडिविजुअल, कोई इंडिविजुअल पर्सन चला रहा होता है या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, तो वो क्या हो जाता है, प्राइवेट सेक्टर हो जाता है। जैसे जिसमें दिखा रहा है आईसीआईसीआई बैंक, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, ये क्या है, एक प्राइवेट सेक्टर का एग्जाम्पल है। क्या बोल रहा है, द मोस्ट प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन आर रन विद द इंटेंशन ऑफ मेकिंग प्रॉफिट। जो हमारी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उनका इंटेंशन क्या होता है, जो हमारी पब्लिक है उनकी पब्लिक है, जो सिटीजन्स हैं इंडियन सिटीजन या जो पर्टिकुलर कंट्री के सिटीजन्स होते हैं, उनको क्या करना, क्वालिटी गुड्स प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करना। लेकिन प्राइवेट सेक्टर जो होता है उसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है या इंटेंशन क्या होता है, प्रॉफिट अर्न करना या प्रॉफिट को बनाना बोलना चाहिए। तो क्या बोल रहा है, मोस्ट प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन रन विद द इंटेंशन ऑफ मेकिंग प्रॉफिट, द कैपिटल आर अरेंज बाय द ओनर। जो कंपनी का ओनर होता है वही कैपिटल को अरेंज करता है, वो किस तरीके से अरेंज करता है वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। इट मैनेज्ड विदाउट एनी गवर्नमेंट पार्टिसिपेशन, वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करता है, उसमें गवर्नमेंट का कोई पार्टिसिपेशन नहीं होता है उसको। सिर्फ जैसे कोई कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है, तो उसे कंपनी एक्ट के थ्रू जो भी रूल्स रेगुलेशन होंगे वो फॉलो करने होंगे, लेकिन वो उसको चला कैसे रहा होगा, खुद चला रहा होगा, अपनी स्ट्रेटजी खुद बनाएगा, अपनी कंपनी की इंटरनल असेसमेंट के लिए खुद पॉलिसीज बनाएगा, ठीक है ना। तो वो क्या हो जाएगा, वो सैलरी भी उनको खुद देगा, अपनी कंपनी के जो वर्किंग कैपिटल से लेके जितने भी खर्चे हैं उसको खुद ही अरेंज करना है, कैपिटल को जो उसका ओनर है या ग्रुप ऑफ, अगर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल है कोई ग्रुप है, तो वो खुद ही मैनेज करेगा। तो हमको समझ में आया कि पब्लिक सेक्टर जो गवर्नमेंट के हाथ से कंट्रोल होता है, प्राइवेट सेक्टर जिसको कोई इंडिविजुअल चलाता है, पब्लिक सेक्टर जो होता है उसका मेन इंटेंशन क्या होता है, किसी भी जो भी उनके सिटीजन है उस कंट्री के, उनको क्या करना, क्वालिटी गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड करना। जबकि प्राइवेट सेक्टर मुझे क्या समझ में आ रहा है कि वो प्रॉफिट अर्निंग के लिए करते हैं, उसमें जो भी कैपिटल अरेंजमेंट होता है या जो भी वर्क होता है वो किसके थ्रू होता है, कंट्रोल के, गवर्नमेंट के, जबकि इसमें ऑनर खुद मैनेज करता है, गवर्नमेंट का पार्टिसिपेशन नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल दिया हुआ है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज या आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड। अब रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर देख लेते हैं, पब्लिक सेक्टर का क्या रोल है। हेल्प इन रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ, टू अर्न रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, फॉर डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, टू एक्ट एज इफेक्टिव कॉम्पिटिशन टू अदर प्राइवेट सेक्टर, फॉर जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट इन गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन डिफेंस एक्सेट्रा। क्या बोल रहा है कि जो पब्लिक सेक्टर होता है
उसका क्या रोल होता है? उसका रोल होता है सबसे पहले तो इकोनॉमिक ग्रोथ में हेल्प करता है। हमने इतने सारे टॉपिक पढ़े, हमने पढ़ा प्रॉपर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, सब में हमने क्या देखा कि गवर्नमेंट के साइड से इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो हमारे यहाँ पे डेवलप नहीं है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि पब्लिक सेक्टर जो है उसका एक रोल क्या भी है कि वो क्या करता है, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करता है। टू अर्न रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा है, वो इफेक्टिव कंपटीशन देने की कोशिश करता है। उसका रोल है प्राइवेट सेक्टर के लिए क्या जनरेट करना, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज एंड गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन और डिफेंस में या जितने भी गवर्नमेंट सेक्टर्स होते हैं उसमें क्या करता है, उसका रोल होता है एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने का। अब प्राइवेट सेक्टर का रोल क्या होता है, वो भी क्या करना, टू प्रोवाइड एडुकेट कॉम्पिटिशन, फिर उसके बाद टू जनरेट मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। उसका रोल है अगर प्राइवेट सेक्टर ना हो, बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज है जिनके थ्रू क्या मिलती है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिलती है, टू रिड्यूस पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस को, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस को कम करते हैं क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर है तो उसको कंट्रोल कौन करता है, गवर्नमेंट करती है, तो उसमें उनका ज्यादा इंटरफेरेंस होता है। जबकि प्राइवेट सेक्टर में रन कौन करता है, कोई इंडिविजुअल, उसका जो ओनर होता है, तो वहां पे पॉलिटिकल इंटरफेरेंस जो होता है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। प्राइवेट सेक्टर का रोल क्या है, क्या करता है, टू इंक्रीज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल, वो क्या करता है उनकी स्टैंडर्ड लिविंग को क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है। इंक्रीज द नंबर ऑफ प्राइवेट सेक्टर इन इंडिया, प्राइवेट इंडस्ट्री इन इंडिया, प्राइवेट सेक्टर क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है नंबर ऑफ प्राइवेट इंडस्ट्रीज इन इंडिया। प्राइवेटाइजेशन के थ्रू हम वैसे भी देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, कोशिश कर रहे हैं कि बहुत सारा क्या करते हैं प्राइवेटाइजेशन, पब्लिक को जो यूनिट्स, सिक यूनिट्स होती हैं या जो यूनिट प्रॉपरली नहीं परफॉर्म कर रही हैं उनको हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर में। तो प्राइवेट नंबर ऑफ प्राइवेट इंडस्ट्रीज क्या होती जा रही हैं, बढ़ती जा रही हैं। वो क्या कर रहे हैं, लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में इंक्रीमेंट कर रहे हैं, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस कम होता है, ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं। ये क्या था हमारा, हमने समझा कि पहले पब्लिक सेक्टर क्या होता है हमें समझ में आ गया, फिर हमने देखा प्राइवेट सेक्टर क्या होता है, पब्लिक सेक्टर का क्या रोल है और प्राइवेट सेक्टर का क्या रोल है। क्लियर हुआ? ये तो यही भी थी। नेक्स्ट क्या बताना है मुझे, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर, उनके क्या एडवांटेज होते हैं और क्या डिसएडवांटेज होते हैं। अब हम पहले पब्लिक सेक्टर की बात कर रहे हैं तो पहले पब्लिक सेक्टर के एडवांटेज देख लेते हैं। इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट बढ़ाता है, गवर्नमेंट की अर्निंग होती है, रूरल डेवलपमेंट करता है, नेशनल इनकम में हेल्प करता है, प्राइवेट सेक्टर सोशल ऑर्डर को बढ़ाता है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात कर रहा है। देखो पब्लिक सेक्टर जो है वहीं से क्या होते हैं, सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट होते हैं। जो भी अर्निंग होती है वो किसमें इन्वॉल्व होती है, हमारी बीओपी में जाती है, इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए जाती है। तो गवर्नमेंट की अर्निंग होती है थ्रू पब्लिक सेक्टर। जैसे हमने देखा था कि पब्लिक सेक्टर का कॉन्ट्रीब्यूशन कहाँ से होता है, रेलवे से होता है, पोस्ट ऑफिस से होता है, तो गवर्नमेंट की अर्निंग होती है, ये एडवांटेज है। रूरल डेवलपमेंट में हेल्प करता है, हमारी नेशनल इनकम में हेल्प करता है, और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में भी कौन हेल्प करता है, पब्लिक सेक्टर। तो ये सारे क्या हो गए हमारे पब्लिक सेक्टर के एडवांटेज। कुछ डिसएडवांटेज भी हैं, जैसे हमने देखा कि पब्लिक सेक्टर में क्योंकि गवर्नमेंट उसको क्या करती है, कंट्रोल करती है, तो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बहुत ज्यादा होता है जिसकी वजह से प्रॉपर वर्क नहीं हो पाता। हमने क्या देखा कि बहुत सारी गवर्नमेंट यूनिट्स को हम क्या कर रहे हैं, प्राइवेट में कन्वर्ट कर रहे हैं, क्योंकि हमने उसका एक मेन रीजन क्या पाया था प्राइवेटाइजेशन का, कि इनसफिशियंट मैनेजमेंट, जो मैनेजमेंट है वो उतने स्किल्ड नहीं है या इतने एलिजिबल नहीं है, बोला कि स्किल्ड नहीं है जो क्या कर सके, प्रॉपर वे में वर्क कर सके। फिर क्योंकि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बहुत ज्यादा होता है तो हाई डिग्री ऑफ करप्शन होता है वहां पे, करप्शन की वजह से वो सेक्टर जो होता है वो उतना ग्रो नहीं कर पा रहा है। स्लो डिसीजन मेकिंग, क्योंकि क्या होता है बहुत सारे लोग उसमें इन्वॉल्व होते हैं। जब हम प्राइवेट सेक्टर में जाते हैं तो एक इंडिविजुअल या एक ग्रुप को डिसीजन लेना होता है, प्राइवेट पब्लिक सेक्टर में गवर्नमेंट को खुद डिसीजन लेना है और ऑलरेडी बहुत सारे वर्क होते हैं, तो क्या हो रहा है, डिसीजन मेकिंग बहुत ही स्लो होती है, धीरे होती है, करप्शन बहुत ज्यादा है और इनसफिशियंट क्या है, मैनेजमेंट है, और पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बहुत ज्यादा होता है।
प्राइवेट सेक्टर का एडवांटेज क्या है, डेवलपमेंट में हेल्प करता है, डिसीजन मेकिंग हम फास्ट दे सकते हैं, कोई पॉलिटिशियन का कोई गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं होता, हाईली स्किल्ड लेबर्स होते हैं, मैनेजमेंट होता है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं ज़्यादा अच्छे से वर्क कर पाते हैं, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है, हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ जाता है, हम इजी वे में वर्क कर पाते, तभी तो हम पब्लिक सेक्टर प्राइवेटाइजेशन की ओर ज़्यादा बढ़ रहे हैं, पब्लिक सेक्टर जो है वो प्राइवेट सेक्टर की तरफ आ रहा है और हमारा प्राइवेट इंडस्ट्री इंक्रीज हो रही है। इसके भी कुछ क्या होते हैं डिसएडवांटेज होते हैं कि स्मॉलर रिसोर्सेस, लेस एम्फेसिस ऑन सोशल वेलफेयर, क्योंकि उनका मेन मोटो क्या होता है, उनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, प्रॉफिट अर्न करना, पॉसिबिलिटीज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट अमंग्स ऑनर, क्योंकि वहाँ पे क्या है अगर ग्रुप ऑफ पर्सन हैं जो मिलके वर्क कर रहे हैं तो उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट होने के चांसेस ज्यादा हैं, लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस। अब मैं आपको बोलूंगी कि प्राइवेट सेक्टर में जाके इन्वेस्ट करो अपना पैसा लगाओ, तो आप बोलोगे नहीं मेरे को तो SBI में जाके अपना पैसा जमा करना है, क्यों, क्योंकि हमारा पब्लिक सेक्टर की तरफ कॉन्फिडेंस ज्यादा होता है, तो लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस, पब्लिक का जो कॉन्फिडेंस है वो प्राइवेट सेक्टर पे थोड़ा सा कम होता है, तो ये क्या है इसके डिसएडवांटेज। परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर इन इंडियन इकोनॉमी, क्या क्या इसकी परफॉर्मेंस के बारे में डिस्कस कर रहा है, ग्रोथ ऑफ पब्लिक सेक्टर, देयर हैज बीन ट्रिमेंडस ग्रोथ एंड एक्सपांशन ओवर द डिके, पहले से तो बहुत ज्यादा अच्छा हुआ है, हमने अपने नेशनल इनकम में भी देखा था काफी सारा, एक बीच में हाई रेंज ऑफ क्या हुआ था इंक्रीमेंट हुआ था, रेंज ऑफ पब्लिक सेक्टर एक्टिविटीज, इकोनॉमिक कॉन्ट्रीब्यूशन हुआ है, इम्प्रूव हुआ है नेशनल इनकम, फिर उसके बाद फॉरन एक्सचेंज अर्निंग्स भी हमारी क्या हुई है पब्लिक सेक्टर में बढ़ी हुई है, प्राइवेट सेक्टर का बता रहे हैं, फाइनेंशियल रिफॉर्म्स लीड टू मोर इन्वेस्टमेंट ऑफ प्राइवेट फॉरेन कंपनीज इन इंडिया, यूसेज ऑफ मोर एडवांस टेक्नोलॉजी, ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज़ कर पाते हैं, पीपल आर नाउ गेटिंग मोर क्वालिटी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, इंक्रीजिंग द डिमांड ऑफ पीपल बाय इंट्रोड्यूस न्यू प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। कंक्लूजन अगर मैं देखूँ तो मैं क्या बोलूँगी कि जो प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर दोनों अपनी अपनी जगह में ठीक है, क्या बोल रहा है, प्राइवेट सेक्टर वर स्टार्टेड लॉन्ग बैक बट इट वॉज Not because policy maker found conclusive evidence for its superiority. The public sector, in spite of its defects, is driving force for sector in India because it taking initiative to develop infrastructure. Public sector provides fundamental foundation of the private sector. क्योंकि public sector से ही किसका foundation बनता है private sector का, public प्राइवेट सेक्टर इज सुपीरियर इन टर्म ऑफ इफिशियंसी एंड कॉस्ट, क्योंकि उनको क्या करना है, प्राइवेट सेक्टर क्यों सुपीरियर है, क्योंकि उनका मेन मोटो क्या है, अर्निंग, तो वो क्या करेंगे उसके लिए अपनी इफिशियंसी को भी बढ़ाते हैं और कॉस्ट को भी रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं, प्राइवेट सेक्टर इस पर ज्यादा फोकस नहीं करता, वो फाउंडेशन अच्छी बनाता है, ग्रेटर कॉम्पिटिशन लीड्स टू मोर इम्प्रूवमेंट एंड मोर इनोवेटिव प्रोडक्ट, द प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर हैव टू वर्क टूगेदर टू डेवलप द इकोनॉमिक कंडीशन, बोथ आर इक्वली रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। तो हमको समझ में आया कि पब्लिक सेक्टर क्या होता है, प्राइवेट सेक्टर क्या होता है, ये हमारा इकोनॉमी का स्ट्रक्चर बनाता है, फिर मुझे समझ में आया कि पब्लिक सेक्टर का कंट्रोल कैसे होता है, पब्लिक सेक्टर का क्या ऑब्जेक्टिव है, उनके क्या एडवांटेज है, उनका क्या रोल है, क्लियर है सभी को।